अब देखो आप, ये रहा कांकेर। ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये 3-4 दिन पहले ही लगवाया हूँ। आई होप अच्छा दिख रहा है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गड़िया माउंटेन, जो है कांकेर में। सो चलो चलते हैं। आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे, अभी कोरोना चल रहा है, मैं पूरे सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं करने वाला, ना कुछ ख़रीदने वाला हूँ, जाऊँगा देखूँगा एंड वापस आ जाऊँगा। और ये लास्ट हफ्ता है मानसून के पहले जो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बाइक पे। उसके बाद जो भी ट्रैवलिंग होगी वो अब कार ट्रैवलिंग देखोगे ना। ये गुंडरदेही वाला रोड है, राइट साइड में ये राजनांदगांव वाला रोड था, तो ये रोड बहुत बिजी लग रहा है, बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। एक्चुअली इस रोड में बहुत सारे फार्म्स है, तो ये फार्म्स की गाड़ियाँ चलती रहती है यहाँ पे, ट्रैक्टर्स ट्रक एंड ऑल दैट। हल्की हल्की बारिश हो रही है अब, क्या यार किस्मत ख़राब है लग रहा है। सारे कुत्ते भाग रहे हैं कार के पीछे। अरे हट जा, मेरे पीछे मत भाग। क्लाउड्स देखो, अल्टीमेट। सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है घूमने के लिए, तो ये घर में बैठे रहे तो क्या मतलब। आई रिमेम्बर ये पूरा जंगल हुआ करता था, और आप देख सकते हो पूरा कट चुका है, वो थोड़ा सा छोटा सा जंगल अभी बचा हुआ है उस साइड। मैं बाइक से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कांकेर, हर बार मैं कार से ही गया हूँ। 105 किलोमीटर ओके, वाला 30 किलोमीटर आ गए हैं हम लोग, 2 घंटे में पहुँचेंगे। 2 घंटे टाइम हो रहा है अभी 5:36, मतलब अराउंड 8 o'clock पहुँचेंगे। एंड देयर्स अ राइस मिल, जैसे कि आपको बताइए राइस बॉल ऑफ इंडिया इज आवर छत्तीसगढ़। इस बाइक को मैंने लिया था 2006 में, मतलब जब फर्स्ट मॉडल आई थी यामा ग्लैडिएटर की। उस टाइम पे 3 बाइक लॉन्च हुई थी, यामा ग्लैडिएटर, शाइन और एक डिस्कवर 125। वैसे टेस्ट ड्राइव तो मैंने तीनों बाइक का ही लिया है, लेकिन ये मुझे परफेक्ट लगी। सो ये यहाँ के गांव वालों का स्विमिंग पूल है यार, मुझे भी मन कर रहा है, इतना साफ है, क्लीन है। ओके यहाँ से बोल रहा है लेफ्ट लेना है आगे पे तेरी, ये तो बहुत ही छोटा रोड है। वाओ ठीक है, ऑलराइट, यहाँ से मैं रास्ता जानता हूँ। नेक्स्ट ईयर एक से एक बाइक राइड्स होने वाले हैं, आई होप अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो। हाँ भाई तू आ जा पहले, साला जगह ही नहीं दिया। तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारी बाइक राइड्स होने वाली है, लाइक भिलाई टू पुरी, भिलाई टू औरंगाबाद, भिलाई टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, इवन भिलाई टू लेह लद्दाख। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो, अगर लेह लद्दाख नहीं गए तो क्या किए। वैसे मैं ट्रैवलर पहले हूँ, मोटो ब्लॉगर बाद में। अपने को तो कुछ भी मिल जाए, साइकिल बाइक कार, अपने को ट्रैवलिंग से मतलब है। अरे बकरिया, क्या बात है, बहुत है यार। बातों बातों में आ चुके हैं धमतरी, अब हम यहाँ से राइट लेंगे। यहाँ से कांकेर सीधा, कांकेर जगदलपुर यही वाला रोड जाता है। अब चलो म्यूजिक चालू करते हैं, जो मेरे ब्लॉग की खासियत है।
द रोड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सलेंट। मजा आ गया बाइक चलाने में यार। वाओ व्हाट अ रोड यार, व्हाट अ रोड। ये कांकेर सिटी ना मुझे किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। आजू बाजू पूरा हिल ही हिल है। ओके यहाँ से हमको राइट लेना है जगदलपुर के लिए। यहाँ ये वाला रोड निकलेंगे तो बस स्टैंड से हमको कहाँ ले जा रहा है ये। सही है, मेरे को बहुत ही बेहतरीन जगह फंसा दिया। मेरे ख्याल से यही वाला पहाड़ है। गड़िया पहाड़ कहाँ पे? यही है ना, ऊपर जाती है बाइक। अच्छा आगे से आना है ना, ठीक है। हाँ शुक्रिया भैया। अभी मैं सेकेंड गियर लगाया हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। ओ भाई साहब क्या दिख रहा है व्यू, आपको भी दिखाऊंगा ऊपर चलते हैं। पहले आप देखो, आप ये रहा कांकेर। ओ यार मजा आ गया, मजा आ गया। बस यार आ गया अपना पॉइंट। ए आई रीच्ड। वाओ दस गड़िया पहाड़, टेक ए पिक्चर। पहले वाला जो व्यू पॉइंट था वो सामने की तरफ से था। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है पीछे की तरफ का व्यू पॉइंट, वो है कुछ ऐसा। तो ऑफ रोडिंग करते करते किसी जंगल के बीच में आ गया हूँ, मतलब ये हिल के ऊपर ही है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फांसी भाटा किला। राजशाही के ज़माने में फांसी भाटा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अपराधियों को ऊंचाई से नीचे फेंका जाता था। एक बार कैदी ने अपने साथ सिपाही को भी खींच लिया के बाद से अपराधियों के हाथ बांध कर उन्हें दूर से बांस से धकेला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यही है वो जगह जहाँ से फेंका जाता था। अब यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है। हवा चल रही है। थोड़ी दूर पे एक मंदिर है एंड मंदिर के पास में एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड के बारे में एक बहुत ही विचित्र कहानी है, तो वो कहानी सुनने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। एंड ये रहा यहाँ का शिव मंदिर। तो जूता खोल लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। जय भोलेनाथ। अब एक और मंदिर है। और कितना मंदिर है यहाँ पे? दो। एक कृष्णा मंदिर, कृष्णा भगवान का। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सब बंद है। और ये यहाँ पे दुर्गा माता जी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पे सिक्का चिपकाते हैं, सिक्का चिपकाने से मन्नत मांगने से पूरी हो जाती है। इसकी क्या मन्नत है, क्या चाहता है तू लाइफ से, क्या चाहता है? ये तालाब का नाम क्या बोला था? सोनाई मोनाई क्या था? सोनाई रुपई। अच्छा सो ये जो आप तालाब देख रहे हो इसका नाम है रुपई तालाब। कहते हैं कि ये जो कांकेर में एक राजा हुआ करते थे एंड उनकी दो बेटियां थी, सोनाई और एक रुपई। एंड दोनों राजकुमारी यहाँ पे नहाते नहाते खेलते थे एंड कांकेर में बहुत बाढ़ आ गई थी। एंड उस बाढ़ में सोनाई राजकुमारी जो थी उसको बहा के ले गई नीचे एंड जो रुपई थी वो यहाँ पे डूब गई। तो दोनों राजकुमारी अलग अलग हो गए थे। सो सोनाई रुपई, यही इसकी कहानी है। यहाँ पे एक गुफा भी है, छुरी पगार गुफा। इस गुफा की छत को देखने पर अनेक छुरी नुमा पत्थर लटके दिखाई देते हैं। बहुत संकरा है, मैं नहीं जा रहा। जूता वहाँ पे खोल के आया हूँ, मैं नहीं जा रहा। एंड ये है शीतला माता जी का मंदिर। फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन में है तो अभी बंद है। ये कहीं भी जा रहा है। चल आ जा, हो गया टहलना। टाइसन नाम है इसका, टाइसन। अच्छा खासा दोस्त बन गया। तो मैं आ चुका हूँ गड़िया पहाड़ के नीचे। ये रहा कांकेर सिटी का मशहूर तालाब, बेहतरीन दिखता है। बट अभी बारिश होने को है, जल्दी जल्दी घर पहुँचता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। द
दैट वॉज गड़िया माउंटेन ऑफ कांकेर। वैसे आज मेरा कहीं और जाने का प्लान था बट कौशल की सडनली तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे एक घंटे पहले अपने ट्रैवल प्लान को बदलना पड़ा। सो अगर आप भिलाई से या रायपुर से गड़िया माउंटेन जाना चाहते हो तो यहाँ से करीब 130 किलोमीटर है तो राउंड ट्रिप आपको 260 किलोमीटर पड़ जाएगा। एंड सबसे बेस्ट सीजन है ट्रैवल करने का वो है मॉनसून और विंटर। तो ऐसे बहुत सारे हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स है हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको मैं आने वाले ब्लॉग्स में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन यार जरूर दबा दें। सो मैं चला अपने मॉनसून सीजन को एंजॉय करने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय। Thank you.